फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की उल से यहाँ पर और क्रोशिया लिया है मैंने यहाँ पर 11 नंबर, तो इससे हम 0 से लेके 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर एक ड्रेस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी ड्रेस पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से सुंदर सी अपनी लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने व्हाइट कलर की वूल ली, इसमें यहाँ पर इस तरह से एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें ऐसे क्रोशिया डाल के और यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 चैन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से इसके ऊपर से रखेंगे और 3 चैन छोड़ के 1 2 3 यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 चैन छोड़ के हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से ऐसे अगले वाली चैन में इस तरह से, फिर इससे अगले वाली चैन में, तो इसी तरह से हम पूरी चैन में यहाँ तक 11 बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 11 है डबल क्रोशिया कर ली है। अब यहाँ एंड में आने के बाद हम 3 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, यानी कि 2 और 3। 3 चैन बनाने के बाद इसके पास वाले में ही यहाँ से ही हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से अगले वाले में, ये इस वाले का, अब इस वाले में, यानी कि हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे इस तरह से। फिर इस अगले वाले में, यानी कि हमारे ये 11 बार डबल क्रोशिया हैं, तो ये हर चेन में 2 बार होने के बाद 22 डबल क्रोशिया हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे इस तरह से। हर इसमें हमने हर डबल क्रोशिया में 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। यानी कि हर चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया दूसरी रो में यहां पर करना है इस तरह से। मैं यहाँ पर एंड तक हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए जाऊंगी। तो जितनी ड्रेस देखने में सुंदर है फ्रेंड्स, उतनी ही बनाने में बहुत ही आसानी है ड्रेस बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल ये 22 बार डबल क्रोशिया कर ली है, यानी कि 22 ये इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो अब एंड में आने के बाद फिर से 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन हमारी बन गई है। अब यहीं से वापस हम टर्न करेंगे, अब
यहाँ पर फिर से जो ये साथ में है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब की बार हमने हर चैन में डबल क्रोशिया नहीं करना है, अब की बार ये डबल क्रोशिया हो गया, दो चैन हमें सिंगल बना के यानी कि सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। अब इससे अगले वाली चैन में भी सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, दो बार सिंगल डबल क्रोशिया। अब की बार यहाँ पर इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार ये हो गया, फिर से इसी के साथ से डबल क्रोशिया। अब दो चैन हमने आगे सिंगल डबल क्रोशिया से बनानी है इस तरह से, एक एक इससे अगले वाली, दो चैन सिंगल, फिर से आ गई अगली चैन, इसमें हमने दो बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, एक बार फिर से करेंगे ये दो बार डबल क्रोशिया। अब दो चैन आगे हमने सिंगल डबल क्रोशिया से करनी है, एक ये एक इससे अगले वाली चैन, ये वाली। अब अगली चैन में हमने दो बार डबल क्रोशिया करना है, एक बार ये एक बार फिर से दो बार। अब दो फिर से हमने यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया करना है, एक ये चैन एक इससे अगले वाली चैन इस तरह से, दो चैन सिंगल से फिर से ये चैन हमारी अगली डबल क्रोशिया से बनेगी। दो फिर अगली फिर से दो चैन हम सिंगल डबल क्रोशिया से बनाएंगे, यानी कि तीसरे में दो, एक चैन में दो डबल क्रोशिया दो सिंगल, फिर से अगली चैन में दो डबल क्रोशिया, इस तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं भैया कंप्लीट कर लेती हूँ कि मैंने यहाँ पर तीसरी रो को भी बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट में आने के बाद तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद हम फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, अगली चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक ये थी एक ये दो, फिर अगले वाली में ये तीन, फिर इससे अगले वाली में चार, फिर इससे अगले वाली में तो ये पांच, पांच बार मैंने ये इस तरह से डबल क्रोशिया कर लिया। पांच बार करने के बाद अब हम यहाँ पर पांच चैन छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन छोड़ के जो ये छठी वाली है इसमें हमने यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पर आगे हमने 10 बार डबल क्रोशिया करना है, 10 चैन में, हर चैन में डबल क्रोशिया। तो ये दो, फिर अगला यहाँ पर तीन, फिर अगली चैन में चार, फिर अगली में पांच, फिर इससे अगली में छः, फिर इससे अगली में सात, फिर इससे अगली में आठ, फिर इससे अगली में फिर इससे अगले में, ये यहाँ पर हमने इस तरह से 10 बार हमने ये डबल क्रोशिया करना है। तो तीन तीन छः, तीन तियानो और एक 10, 10 बार करने के बाद अब फिर से हम पांच चैन छोड़ेंगे बाजू के लिए, एक दो ये तीन चार पांच, पांच चैन यहाँ पर हम बीच में 10 चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाने के बाद पांच हम ये बीच में छोड़ेंगे। पांच छोड़ने के बाद यहाँ पर छठे में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बताऊंगी, एक दो तीन चार पांच,
ये यहाँ पर इस छठे वाले में हम ये डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से फिर आगे फिर से हम पांच बार इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर फिर से हमने पांच बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये हमारी छोटी सी इस तरह से कान्हा जी की चोली बन के कम्प्लीट है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अगला वाला हिस्सा है इसमें हमने इसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है। इसमें हम यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके यहाँ पर अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। हमारी छोटी सी कान्हा जी की चोली बन के अब रेडी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से धागा कट करने के बाद जहाँ पर ये बाजू मैंने निकाली थी यहाँ से मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है और यहाँ से ही हम ध्यान से देखिए डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हमने हर चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए इस फोर्थ रो को हमने कंप्लीट करना है इस तरह से, इसके साथ में भी इस तरह से। फिर अगले वाली ये चैन है इसमें भी डबल दो बार डबल क्रोशिया करना है, यानी कि हर चैन में हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है इस तरह से। फिर अगले वाली में भी हर चैन में एक एक फंदा हम ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो मैं इसी तरह से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने फोर्थ रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, जहाँ से मैंने बाजू से स्टार्ट किया था वहाँ तक हम ये यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर फिर से हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, यहाँ पर दो बार करेंगे। पाँचवीं रो में हम एक बार यहाँ पर एक चैन में दो बार करेंगे, फिर आगे दो बार हम इन चैन में सिंगल बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। दो बार हम अगली चैन में भी एक बार ही करेंगे इस तरह से। अब इससे अगले में हम फिर से अगली चैन में फिर से दो बार डबल क्रोशिया, यानी कि दो फंदे छोड़ के, दो चैन छोड़ के तब हम तीसरी चैन में हम फंदे को बढ़ाएंगे। अब अगले वाली चैन में फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब अगले वाली में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब इससे तीसरे वाली में फिर से हम यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल ही ड्रेस बनानी आसान है। फिर अगले वाली फिर से एक बार डबल क्रोशिया अगली चैन में, अगली में फिर से एक बार डबल क्रोशिया यहाँ पर, अगली बार फिर से दो बार डबल क्रोशिया, एक बार फिर से आगे दो, अगली चैन में एक बार डबल क्रोशिया, अगली में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगले वाली में फिर से दो बार डबल क्रोशिया। तो इस पांचवी रो को हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने एंड तक कर लिया है कंप्लीट। तो अब जो यहाँ पर हमने तीन चैन बनाई थी यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी चौथी रो बनके कंप्लीट है। यहाँ से हमारी पांचवी रो है। पांचवी रो में पहले हमने चौथी रो में हर चैन में डबल क्रोशिया किया था, अब की बार हमने एक और यहाँ पर दो, एक दो, यहाँ पर अगली चैन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे एक दो, फिर अगली में फिर से डबल करेंगे हम एक बार डबल क्रोशिया, ये दो बार डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली में फिर से सिंगल डबल क्रोशिया, यानी कि एक चैन के बाद एक फंदा हम बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर डबल था, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, अब फिर से डबल। तो इस तरह से हम इस पांचवी रो को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसी तरह से
एक चैन छोड़ के और अगली चैन में फंदा बढ़ा लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे छठी रो को हम किस तरह से बनाएं। ये देखिए मैंने इस रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर मेरा सिंगला है, अब यहाँ पर आएगा डबल क्रोशिया। ये एक बार डबल क्रोशिया और ये यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर अगले में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार, यहाँ पर घेरे में मैंने पहले हर चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया किया है, अगले में मैंने यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाई, फिर एक डबल क्रोश, दो बार डबल क्रोशिया, यानी कि हर एक चैन के बाद फंदा बढ़ाया है। अब की बार हमने क्या करना है, अब की बार ये यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया करके, एक बार मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये दो बार, अगली बार दो बार हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, अगली चैन में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर आएगा सिंगल क्रोशिया, अगली चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरह से, यानी कि दो चैन हमने सिंगल क्रोशिया की, फिर से हमने दो बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम फिर अगली रो में हम तीन बार सिंगल क्रोशिया करके दो डबल क्रोशिया अगली चैन में, इसी फिर चार बार, जितना आपने घेरा बढ़ाना है उसी तरह से आप बनाते हुए घेरों को कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। ये मैंने कान्हा जी की घेरा बना दिया, घेरे में मैंने ध्यान से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ रो मैंने कंप्लीट किया। आठ रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए एक रो छोड़ के और यहाँ पर हम धागे को जॉइंट करेंगे, यहाँ पर हम धागे को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है, जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर ध्यान से देखिए एक दो तीन चार और पाँच, ये यहाँ पर मैंने पांच चैन बना ली है, यहाँ पर मैंने ध्यान से देखिए चार चैन बना ली है। चार चैन बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए ये चार चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर चार, ये एक दो तीन चार, चार चैन छोड़ के यहाँ पांचवी में हम फिर से हम ध्यान से देखिए धागा ऐसे करेंगे और एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से फिर से चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन और चार, ये इस तरह से चार चैन बनाने के बाद फिर से हम चार चैन छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन छोड़ने के बाद जो ये पांचवें वाला यहाँ पर है इसमें हम यहाँ पर ध्यान से देखिए डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से फिर से चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर से डबल क्रोशिया, इसके ऊपर से धागा लेके चार चैन फिर से छोड़ेंगे हम। तो एक, ध्यान से देखिए एक एक दो तीन चार, यहाँ पर इस तरह से फिर से यहाँ पर चार चैन बनाएंगे, तो एक दो तीन, फिर से ये चार, चार चैन बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर से ये चार चैन छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, चार छोड़ने के बाद पांचवें वाले में फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से फिर से चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर से यहाँ पर चार चैन छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, फिर से यहाँ पर हम पांचवें वाले में फिर से डबल क्रोशिया एक बार करेंगे। तो इस तरह से हम इस रो के चारों तरफ से यहाँ तक ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं।
मैंने इस पूरी रो को यहाँ तक चार चार चैन बनाते हुए और यहाँ पर चार चार चैन का गैप देते हुए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब ये यहाँ पर लास्ट में आने के बाद जहाँ से स्टार्टिंग की थी यहाँ धागा नीचे की तरफ करके इस तरह से और इसे यहाँ से कट कर लेंगे, अच्छी तरह से नोट लगा के और कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी रो कंप्लीट करके यहाँ से इसको नीचे करके और कट कर लिया। अब हमने आगे इसी तरह से जैसे एक रो छोड़ के इसमें हमने चैन बना के इसको कंप्लीट किया, अब अगली बार हमने ये एक रो छोड़ के इसमें करना, फिर एक रो छोड़ के इसमें, फिर एक रो छोड़ के इसमें, एक एक रो छोड़ते हुए इसी तरह से हम चैन का घेरा बनाते हुए पूरे इस घेरे को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इसी तरह से अब की बार इस वाले में है, अब फिर ये वाला छोड़ के अगली बार हमने अब की बार इस वाले में लेना, यानी कि एक छोड़ के अगले में, फिर से एक छोड़ के अगले में, इसी तरह से सेम इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना। तो मैं नीचे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे डिजाइन किस तरह से बनाएंगे। कि मैंने यहाँ पर इसी तरह से चैन की एक दो तीन रो यहाँ तक बना ली है, नीचे वाली हम बाद में बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले वाले में से हम कहीं से भी लगा लीजिए, ले लीजिए, यहाँ से हम चैन को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पहली रो चैन वाली में से, फिर से दिखा देती हूँ एक बार ऐसे करके, ये जो पहली वाली हमारी चैन वाली रो है इसमें से मैंने यहाँ जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इधर से नहीं बुनना, हमने इस साइड से ऐसे हम घुमाएंगे और इधर से ऐसे करेंगे और इस तरह से 9 बार निकालेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार और 9 बार। इस एक में से हमने, इतने में से हमने 9 बार निकाला है। अब जो ये अगले वाला ये होल है इसमें से भी हम इसी तरह से 9 बार निकालेंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार और ये 9 बार। 9 बार मैंने इन दोनों होल में से निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब जहां से हम ये क्रोशे से बनाते हैं इस साइड से, यहां पर हम एक दूसरी वाली वूल अटैच करेंगे। मैं ये वाली वूल अटैच कर लेती हूँ, आपको जो पसंद हो वो ऊन अटैच कर लीजिए। तो ये देखिए ये वाली ऊन मैं यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इन दो फंदों में से हम ऐसे निकालेंगे, एक और ये दो, दो फंदों में से हम ऐसे निकालेंगे, फिर से यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, इसमें से निकालेंगे। अब फिर से दो फंदे हम यहाँ पर निकालेंगे, एक और एक और निकाल दूंगी। इस तरह से निकाली, फिर से यहां पर इस तरह से इसके अंदर से लेके दो फंदे फिर से हम इसमें से निकाल देंगे इस तरह से, फिर से इसके ऊपर से लेंगे सिंगल क्रोशिया और दो फंदों में से फिर से निकालेंगे, फिर से यहाँ से लेंगे और दो फंदे फिर से हम निकाल देंगे इस तरह से, फिर से अगले दो फंदे हम इस तरह से निकालेंगे, अगले फिर से दो फंदे निकालेंगे, फिर से अगले दो फंदे फिर से निकालेंगे। इसी तरह से हम सभी जो ये 18 फंदे हैं हमारे, इनमें से दो दो करते हुए निकाल देंगे। इस तरह से अगले दो फिर से
अगले दो फिर से। अगले दो फिर से दो दो करते हुए हम सभी 18 फंदों में से इसी तरह से चैन बनाते हुए निकालेंगे। इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनता हुआ शुरू हो गया है। अब इस धागे को यहीं इसमें छोड़ेंगे और फिर से हम इस तरह से इस धागे को छोड़ के और जो ये व्हाइट वाला धागा है यहाँ क्रोशिए के पिछले सिरे से लेंगे हम, फिर से हम यहाँ से अगले वाले जो ये होल हैं इनमें से फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। तो 9 बार फिर से हम ऐसे ही करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। एक होल से निकाल दिया, अगले वाले से फिर से हम इस वाले होल से 9 बार फिर से ऐसे ही निकालेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। 9 बार इसी तरह से बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर क्रोशिए की सीधी नोकीले वाली साइड पर फिर से आएंगे, ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, फिर से ये धागा लेंगे हम और इसी तरह से हम इसके अंदर से लेंगे और दो धागों में से इस तरह से दो फंदों में से इस तरह से निकालेंगे, फिर से आगे दो फंदों में से फिर से निकालेंगे, फिर से दो फंदों में से फिर से निकालेंगे इस तरह से। अगले फिर से दो फंदों में से निकालेंगे, अगले फिर से दो फंदों में से निकालेंगे, अगले फिर से दो फंदों में से निकालेंगे। तो इसी तरह से दो दो फंदों में से निकालते हुए हम ये जो 18 फंदे फिर से बनाए हैं सभी फंदों में से हम इसी तरह से इसको निकाल लेंगे। लास्ट के ये दो फंदे बचे इस तरह से। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये तीन रो हमने चैन वाली बनाई है सभी में जैसे मैंने ये बना के दिखाया है इसी तरह से हम तीनों राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। ये मैंने जो तीन डिजाइन यहाँ पर डाले थे तीनों इस तरह से बना के डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर किनारे से भी लास्ट तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो ये लास्ट में ये चोली बची है इस पर भी हम इसी तरह से किनारी करेंगे। किनारी किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे से किनारी की है इसी तरह से मैं आपको यहाँ से भी करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किए। तो जैसे ये खुले वाली साइड है इसमें नीचे से हम धागा अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए चोली में नीचे से धागा अटैच करके अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिए सिर्फ हमने हर चैन में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से लेंगे, एक बार ऐसे निकाल देंगे, अगले में फिर से हम लेंगे फिर से ऐसे ही निकाल देंगे, फिर से अगली चैन में लेंगे फिर से सिंगल क्रोशिया लेके दो में से एक करेंगे, फिर से ऐसे हमने ऐसे नहीं करना है ध्यान से देखिए। यहाँ अगली चैन में लेंगे सिंगल क्रोशिया और दो में से इकट्ठा निकाल लेंगे, फिर से अगली चैन में से फिर से लेंगे सिंगल क्रोशिया और इस तरह से निकाल लेंगे, फिर से अगले वाली चैन में से फिर से लेंगे
फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले वाली चैन में से लेंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे करेंगे, फिर से अगले वाली चैन में से लेंगे फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले वाली में से, यानी कि हर चैन में से इसी तरह से हम यहाँ नीचे तक ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको यहाँ नीचे तक चोली को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर चोली पर भी इसकी इसी तरह से किनारी बना के अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको लड्डू गोपाल को पहना कर दिखाती हूँ कि फाइनल लुक पहनाने के बाद किस तरह से आएगा। तो ये देखिए हमारे एक नंबर कान्हा जी को बिल्कुल ये ड्रेस फिट आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी ड्रेस पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।